Hello kids, let's we start 81 to 90 forward counting. Start 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90. Okay, I repeat. 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90. Okay? अब आपने 6 टाइम फॉरवर्ड काउंटिंग की अपनी नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस करनी है. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट हमारा देखो और लिखो. और लिखो ट टमाटर ठ ठेरा ड डमरू. अब हम इसका अभ्यास करेंगे. ओके, ट टमाटर छोटी सी लाइन लगाएंगे, स्मॉल लाइन. ये कर्व बनाया ट टमाटर, स्मॉल लाइन देन कर्व ट टमाटर, स्मॉल लाइन देन कर्व देन कर्व ठ ठठेरा. आप इसको सर्कल में भी कर सकते हैं ना, स्मॉल लाइन देन सर्कल थर्ड ठठेरा. ओके, स्मॉल लाइन देन सर्कल थर्ड ठठेरा. ओके, आई रिपीट. स्मॉल लाइन देन कर्व हाफ कर्व ट टमाटर, स्मॉल लाइन देन सर्कल थर्ड ठठेरा. नेक्स्ट है हमारा ड ड डमरू. एज फॉर सन सबको इंग्लिश में आता है ना, हिंदी में सेम है, इससे ड बनेगा. स्मॉल लाइन then half left curve then right curve ड डमरू, small line then left curve then right curve. okay, ड डमरू, small line then half curve left curve sorry then right curve ड डमरू. okay, अब आपने ट टमाटर ठ ठेरा ड डमरू इसका अभ्यास अपनी नोटबुक में करना है. आपने 6 टाइम हर अक्षर की आपने प्रैक्टिस करनी है. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट है हमारा वर्ड कम बिफोर. वर्ड कम्स बिफोर, वर्ड कम बिफोर हम करेंगे ए टू जेड में. ओके, ए टू जेड सबको आता है. ए टू जेड में हम वर्ड कम बिफोर करेंगे. डैश बी डैश एच डैश जेड. ओके, डैश पी डैश एफ डैश टी. ओके, वर्ड कम बिफोर में बी बिफोर ए, तभी तो हमारा बी आता है. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एच बिफोर G, okay, Z before Y, P before O, F before E, T before S. Alright, अब आपने वर्ड कम बिफोर की अपनी नोटबुक में 6 टाइम्स की प्रैक्टिस करनी है. ओके, थैंक यू.